जून 2023 मेष राशि वालों के लिए क्या लेके आ रहा है? कैसा रहेगा उनका काम कारोबार, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय की स्थिति, प्रेम संबंध कैसे चलेंगे, लव लाइफ कैसी रहेगी, साथी दाम्पत्य जीवन में कुछ प्रॉब्लम है या सही चलेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी या उनको कोई नौकरी से रिलेटेड शुभ सूचना मिलेगी, सभी विषयों की विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं मेष राशिफल जून 2023। मेष राशि मंगल प्रधान राशि है और इनकी राशि का स्वामी बनता है मंगल। तो मंगल इनका शरीर है और मंगल के द्वारा ही इनका स्वास्थ्य हम देखेंगे। तो स्वास्थ्य का मालिक इनके बैठा हुआ है फोर्थ हाउस में शुक्र के साथ, तो केंद्र में बैठा हुआ है आपके लग्न का स्वामी। अच्छी स्थिति है केंद्र में बैठे हुए, तो शुक्र के साथ होने के कारण आप इस महीने रोमांटिक रह सकते हैं, आपका मूड रोमांटिक रहेगा, प्रेम प्यार में डूबा हुआ रह सकता है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी मंगल शुक्र के साथ युति कर रहा है। तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, परंतु साथ ही साथ आपको हेडेक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरऑल आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा मेष राशि वालों का। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों की बात करते हैं तो विद्या का भाव है हमारा पाँचवा, तो फिफ्थ भाव से हम पढ़ाई लिखाई और शिक्षा की बात करेंगे और इसके मालिक बनते हैं सूर्य। सूर्य इस घर के मालिक हैं और वो सेकंड घर में बैठे हैं और सेकंड घर है हमारा वाणी का, धन का और कुटुंब का। तो 16 जून तक की बात करें, 1 तारीख से 16 जून तक सूर्य यहीं रहेंगे, तो आपकी वाणी अच्छी रहेगी, कैचिंग पावर आपकी अच्छी रहेगी और विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लग सकता है। तो इस टाइप की आपकी स्थिति रह सकती है। 16 जून ये जो शिक्षा का भाव है ना, पंचम भाव, इस घर के साथ साथ हम इसमें पढ़ाई के साथ साथ प्रेम प्यार को भी देखते हैं। तो प्रेम प्यार के कारण 1 तारीख से 15 तारीख तक आपके मन में भटकाव आ सकता है, अट्रैक्शन हो सकता है किसी के प्रति, तो इस टाइप की स्थिति भी आपकी बन रही है। परंतु कहीं एडमिशन लेना है, किसी बड़े इंस्टीट्यूट में एडमिशन से संबंधित काम चल रहा है, या जो लोग पढ़ाई के साथ साथ कैरियर से संबंधित भी काम कर रहे हैं यानी कि नौकरी के लिए भी काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जब ये सूर्य राशि परिवर्तन करके थर्ड हाउस में आएगा यानी कि बुध की राशि में आएगा, तो फिर आपके काम बनेंगे, आपकी एकाग्रचित्ता भी बनेगी, एडमिशन से संबंधित शुभ सूचना भी आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये देखा जाए तो शिक्षा के लिए बेहतर टाइम 17 जून से शुरू हो जाएगा। 17 जून से पहले पहले आपकी कैचिंग पावर अच्छी है, परंतु मन में थोड़ा सा भटकाव रहेगा। आप ऑनलाइन बिजी रह सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पे बिजी रह सकते हैं, और 17 जून के बाद आपके संबंध पढ़ाई से रिलेटेड सब चीज़ें बढ़िया होती हुई चली जाएगी। तो इस तरह की आपकी स्थिति बन रही है। अब बात करते हैं संतान की। संतान का भाव भी यही घर कहलाता है, यही घर संतान का है और यही घर शिक्षा का है और यही घर प्रेम का है। तो संतान की बात करें तो संतान की दृष्टि से अगर आप देखें फिफ्थ भाव को, तो फिफ्थ भाव का मालिक बैठा है सेकंड घर के अंदर। तो सेकंड घर में जब भी ये फिफ्थ भाव का मालिक बैठा हुआ है तब तक की स्थिति, और साथ ही साथ शनि जो वक्री हो रहे हैं आपके लाभ भाव के अंदर, तो जब भी शनि वक्री होते हैं लाभ भाव में, तो संतान विद्या और धन तीनों चीज़ों की वृद्धि करते हैं। तो शिक्षा में भी वृद्धि होगी 17 जून के बाद, संतान में भी वृद्धि होगी 17 जून के बाद, और धन में भी वृद्धि होगी 17 जून के बाद। तो 17 जून के बाद संतान की उन्नति होगी, संतान की शिक्षा में जो रुकावट थी वो दूर होगी, संतान को शिक्षा का लाभ मिलेगा, संतान शिक्षा के लिए प्रयासरत है तो उसका भी उसको फायदा मिलेगा, और धन कहीं रुका हुआ था धन के लिए प्रयासरत है तो धन की प्राप्ति भी आपको 17 जून के बाद होती हुई देखी जा सकती है। तो इस तरह की स्थिति आपकी बन रही है। अब ये जो थर्ड स्थान की बात है, तो थर्ड स्थान हमारे ट्रैवलिंग का भी है, तो आपके यहाँ पे सूर्य आने के कारण आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा, तो स्थिति आपकी सही है ट्रैवलिंग के हिसाब से, पराक्रम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं मेष राशि के लव लाइफ की। लव लाइफ का प्रेम संबंध, प्यार, रिलेशनशिप जो भी है उसका भी भाव है फिफ्थ भाव। लव एंड रिलेशनशिप के मालिक जो बनते हैं सूर्य, वो आपके बैठे हुए सेकंड घर में शुक्र की राशि में, तो आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे, मूड आपका प्रेम प्यार में डूबा हुआ रहेगा,
और जो लोग लव एंड रिलेशनशिप में चल रहे हैं उनके ट्रैवलिंग का योग बन रहा है। परंतु 16 जून के बाद आपके प्रेम प्यार के संबंध में 1 और 12 का संबंध हो जाएगा, यानी कि आपका जो शरीर है मंगल वो है 4th हाउस में और आपका प्रेम प्यार का मालिक है वो है 3rd हाउस में। तो 1 और 12 का इनका रिलेशन बन रहा है, तो ये एक दूसरे से 1-12 का जब भी रिलेशन होता है वो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं कहलाता है। इसी के कारण से संबंधों में कुछ ना कुछ आपके मतभेद उभर के आ सकते हैं। 16 जून तक आपका साथी आपकी ओर आकर्षित होएगा और आपके साथ घूमने फिरने के मौके तलाशेगा। आप उसके साथ घूमते फिरते हुए नजर आएंगे, आप उनके साथ कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं। परंतु उसके बाद 16 जून के बाद मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपका पार्टनर आपकी बात समझ नहीं पाएगा, आप अपने पार्टनर को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। तो 16 जून के पहले पहले जो सब कुछ अच्छा चल रहा था वो स्थिति बदल जाएगी और दोनों एक दूसरे को अपनी बात समझा नहीं पाएंगे। तो इस तरह से प्रेम प्यार की स्थिति की दृष्टि से देखें तो ये स्थिति है। साथ ही साथ प्रेम प्यार के दृष्टि को हम शुक्र और मंगल के हिसाब से भी देखते हैं। शुक्र प्रेम है, बीज है, और मंगल है जमीन और ऊर्जा। इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तो उत्पत्ति होती है प्रेम की। तो प्रेम की जो उत्पत्ति होती है, परंतु मंगल चल रहे हैं चंद्रमा की राशि में, शुक्र भी चल रहे हैं चंद्रमा की राशि में, जो आपके लिए इतने ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा उन्नति हो ऐसी कोई बात नहीं होगी। घर में आपके जो बिजली का सामान है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, साथ ही बिजली के उपकरणों पर खर्चा होगा और शुभ और मांगलिक कार्य होने वाले थे वो थोड़े से हो सकता रुक जाए या टल जाए। इस टाइप की स्थिति आपकी बन रही है। अब बात करते हैं आपके करियर की। तो मेष राशि वालों का करियर का मालिक बनता है गुरु, और गुरु ही इनके भाग्य का मालिक है, और भाग्य के मालिक आपके शरीर में बैठे हुए हैं, आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा, गुरु आपके लिए फेवरेबल बने हुए हैं, आपके भाग्य में भाग्य का सितारा चमकेगा और भाग्य के बल पे आप बहुत सारा पैसा भी इस समय ने प्राप्त करेंगे, साथ ही रुका हुआ धन भी आपके पास आता हुआ दिखेगा। गुरु के साथ राहु की स्थिति है, राहु की स्थिति जब भी गुरु के साथ बनती है तो गुरु चंडाल योग का निर्माण होएगा, पर वो इतना प्रभावशाली नहीं रहेगा, आप उसके कुप्रभाव से बचे हुए रहेंगे। एक ही शर्त है बचने के लिए कि वैसे तो प्रभाव कम ही है, परंतु अगर आप और भी ज़्यादा प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो जल्दबाजी से आप बचें। जितना ज़्यादा आप जल्दबाजी करेंगे, क्योंकि राहु आपको भ्रमित कर सकता है, जल्दबाजी कर सकता है, तो आप जल्दबाजी से बचें और अपना काम जल्दबाजी के कारण ख़राब न करें, अपनी बुद्धि को भ्रमित न करें, अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखें, वश में रखें और सावधानी से चलें। भाग्य का आपको सपोर्ट मिल रहा है, धन भी आपकी ओर खींचा हुआ चला आ रहा है और धन की आपकी वृद्धि भी हो रही है। धन और काम दोनों आपके पास खींचे हुए चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको काम की तलाश के लिए, रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़े। आपका भाग्य आपका प्रबल रूप से साथ दे रहा है, साथ ही मांगलिक कार्य की भूमिका भी वो बना रहा है। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव होएगा और आप आध्यात्मिकता में कुछ न कुछ सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आपके जो भाग्य का गुरु है वो आपको सपोर्ट कर रहा है और इससे आपके कार्य बनते हुए चले आ रहे हैं। राहु अड़चन डालेगा, परंतु आप उन अड़चनों को दूर करते हुए चले जाएंगे। लंबी दूरी की यात्रा इस समय संभावना दिखा रही है, आप अवश्य लंबी दूरी की यात्रा या धार्मिक यात्रा करते हुए देखे जाएंगे। करियर के मालिक हैं आपके शनिदेव, शनिदेव आपके 10th भाव के मालिक हैं और ये चल रहे 11th भाव से, और 10th भाव से हम देखते हैं नौकरी, काम, कारोबार, व्यापार, व्यवसाय, जिसके मालिक है ही शनि और वो 11th हाउस में है। तो मेष राशि वालों के करियर में उछाल आएगा। एक तरह से देखें तो जून का महीना मेष राशि वालों के करियर के लिहाज से बहुत ही बढ़िया साबित होएगा। करियर में आपको लाभ होएगा, कोई प्रमोशन अटका हुआ था तो वो प्रमोशन हो सकता है, आपकी करियर में उन्नति हो सकती है, कार्य क्षेत्र में आप अपना बेहतर प्रदर्शन करेंगे, बहुत अच्छा आप अपने कुशलता और कार्य कुशलता से अपने अधिकारीगण को प्रभावित करेंगे, लोग बाग आपकी जो कार्य कुशलता है, योग्यता है, उसका लोहा मानेंगे और आप करियर में, नौकरी, कार्य, व्यवसाय में छाए हुए रहेंगे।
जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी ये महीना शुभ साबित होएगा। नौकरी आपकी लग सकती है, बेरोजगार है तो नौकरी में अच्छी नौकरी की तलाश थी वो इस महीने ख़त्म हो सकती है। कोई नई नौकरी करना चाहते हैं वो भी लग सकती है, और नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतर टाइम है, आप अवश्य करें बदलाव। बदलाव के लिए भी ये महीना खुशखबरी आपको देके जाएगा। शनिदेव आपके बैठे हुए हैं 11th हाउस में, जो तो आप जो भी एफर्ट नौकरी के लिए करेंगे वो आपके शुभ ही परिणाम देके आपको जाएंगे और आपके एफर्ट सफलता में परिणित हो जाएंगे। शनिदेव जहाँ भी बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, और ये बैठे हुए हैं आपके लाभ के घर में, तो लाभ की मात्रा आपके बढ़ा ही देंगे, आपका लाभ बढ़ेगा। लाभ बढ़ने के कारण आपका काम कारोबार बढ़ेगा और जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपकी वृद्धि होगी, और साथ ही साथ ये लाभ भाव के मालिक हैं तो आपके धन में भी ये वृद्धि अवश्य ही करके जाएंगे। तो इस तरह से मेष राशि वालों के कैरियर के हिसाब से ये महीना नींव का महीना बहुत ही माइलस्टोन साबित होएगा। आप अवश्य अपने कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं, नई नौकरी के लिए तलाश रहते हैं तो अवश्य कार्य करें, एफर्ट को तेज़ कर दें, आपको सफलता इस माह मिलने ही वाली है। अपने एफर्ट को आप कुछ भी कमी न छोड़ें, क्योंकि ये महीना आपको कुछ ना कुछ इससे संबंधित सूचना दे ही रहा है। बस अपने जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें और विवेक से आप कार्य करें। जून का माह आपके लिए मंगलमय हो और अधिक शुभ परिणाम आपको देखे जाए, इसके लिए आप एक काम करिए कि हनुमान चालीसा का पाठ लगातार जारी रखिए। हनुमान चालीसा से आपके काम बनेंगे, काम ही नहीं बनेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। और कमेंट में आप जय श्री राम अवश्य लिखिए। साथ ही इस महीने अगर उपाय की बात किया जाए तो सभी मेष राशि वाले जातकों को इस माह चंद्र के मंत्र का जाप शाम होने के बाद अवश्य ही करना चाहिए। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप आपको आप अगर करते हैं तो आपके भाग्य का सितारा भी चमकेगा, साथ ही साथ आपको जो भी दुष्परिणाम इस माह मिलने वाले थे उसमें कमी अवश्य आएगी। कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पर अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। बाकी आपका जीवन में आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे और इस दिन शानदार बीतते रहे। इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।